और दोस्तों, मैं अक्षय, आप देख रहे हैं टेक्निकल यूपी 92। एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेके आप लोगों के बीच में आया हूँ। जैसा कि बहुत सारे किसान कंफ्यूज रहते हैं झटका मशीन में बैटरी लगाने को लेके, कि झटका मशीन में बैटरी कौन सी लगानी है, कितनी बड़ी लगानी है, क्या बड़ी बैटरी लगाने से ज़्यादा झटका देती है मशीन, तो उस कन्फ्यूजन को और भी एक जानकारी महत्वपूर्ण इस वीडियो में दूंगा आपको। वीडियो में बने रहना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब लिख के आता है, उस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि झटका मशीन के अंदर भी बैटरियां लग के आ रही हैं, उसी के अंदर लाइट से जो मशीनें चलती हैं उसी के अंदर एक 2 एम्पियर की कॉइल रख दी जाती है और एक छोटी सी बैटरी रख दी जाती है। तो वो बोले लाइट से और मशीन चल रही है, वो एक टेम्परेरी सिस्टम होता है, ज़्यादा सक्सेस तो नहीं है, पर हाँ काम चलता रहता है। पर ज़्यादा सक्सेस मैं नहीं मानता कि वो ज़्यादा सक्सेस है, क्योंकि उसमें किसान का थोड़ा सा पैसा वेस्ट होता है। तो आपको बैटरी कौन सी लगानी है वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपको मशीन लाइट से चलानी है, जैसे आपको मशीन को लाइट से चलानी है, तो आपको हमारे पास इस टाइप का एडोप्टर मिलेगा जो कि झटका मशीन के लिए ही है ये एडोप्टर। इस एडोप्टर से आप लोग मशीन को डायरेक्ट लाइट से भी चला सकते हैं, और एक इसमें आप छोटी सी बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं, मोटरसाइकिल की भी बैटरी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं मशीन में, क्योंकि लाइट से चार्ज होती रहेगी और अपनी मशीन को चलाती रहेगी। ठीक है, अगर आपको इस चार्जर में बड़ी बैटरी, जैसे आपको झटका मशीन में बड़ी बैटरी लगानी है, जैसे मैं ये वाली बैटरी रखता हूँ, बड़ी बैटरी है, 4 से 5 दिन आराम से बैकअप देती है ये बैटरी। अगर आपको बड़ी बैटरी लगानी है झटका मशीन में और लाइट से सिस्टम करना है, तो आपको ये चार्जर नहीं लगाना है, फिर ये अडोप्टर नहीं लगाना है, इस बैटरी के हिसाब से फिर चार्जर लगेगा। कुल मिला के आप जितनी बड़ी बैटरी लगाएंगे मशीन में, उसी प्रकार से चार्जर भी लगेगा मशीन में। बैटरी के हिसाब से चार्जर लगता है और बैटरी के हिसाब से ही सोलर पैनल लगता है। अगर आप छोटी बैटरी लगा रहे हैं तो छोटा सोलर पैनल लग जाएगा, बड़ी बैटरी लगा रहे हैं तो बड़ा सोलर पैनल लगेगा, पर बैटरी के हिसाब से ही लगेगा। क्योंकि अगर हम आपको ये वाला एडोप्टर मशीन के साथ लाइट से चलाने को देंगे और आप ये वाली इसमें बैटरी कनेक्ट कर देंगे, तो ये बैटरी अपनी चार्ज नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये चार्जर जो है, एडोप्टर है, वो छोटा है, वो बस मशीन को चला सकता है और थोड़ी बहुत बैटरी, छोटी मोटी बैटरी चार्ज कर सकता है, 12 14 तक की। तो आपको बड़ी बैटरी के साथ बड़ा चार्जर लगाना है। अगर सोलर प्लेट लगा रहे हैं तो वो भी बैटरी के हिसाब से लगेगी, बड़ी बैटरी होगी तो बड़ा पैनल लगेगा, छोटी बैटरी होगी तो छोटा पैनल लग जाएगा। अब रही बात बड़ी बैटरी लगाने से और छोटी बैटरी लगाने से झटका मशीन में फ़ायदा क्या है। कुछ लोग बोलते हैं कि बड़ी बैटरी लगाएंगे तो झटका मशीन और ज़्यादा करंट देगी, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बड़ी बैटरी लगा रहे हैं तो आपका झटका बहुत ज़्यादा आने लगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि अपनी मशीन को जो है वो 12 वोल्ट करंट से मतलब है अपनी मशीन को। तो वो आपकी कितनी भी बड़ी बैटरी लगा दो, आप इन्वर्टर का बैटरा भी रख दोगे, पावर आपकी मशीन उतना ही देगी। बस जो आपका, देखिए मैं आपको और एक तरीके से समझा देता हूँ। जैसे ये एक छोटी बैटरी रखी है और ये एक बड़ी बैटरी रखी है, दोनों से मशीन एक जैसा करंट देगी। फर्क ये रहता है, छोटी बैटरी कम टाइम तक चलेगी, छोटी बैटरी रात भर चलेगी, बड़ी बैटरी 4-5 दिन चलेगी। इतना होता है, झटका में कोई फर्क नहीं आता, बैकअप में अंतर आता है, बड़ी बैटरी ज़्यादा चलती है, छोटी बैटरी कम चलती है, इतना फर्क होता है। आप कितना बड़ा बैटरा रख दो या छोटी सी बैटरी रख दो, झटका बराबर रहता है। तो आप बैटरी अपने हिसाब से यूज करें, जिस प्रकार का आपका बजट है उस प्रकार से आप बैटरी यूज करें। आपके यहाँ अगर बहुत अच्छी लाइट आ रही है खेत में, ये तो आप इस प्रकार का एडोप्टर लगाएं मशीन में, SMPS है, और एक छोटी बैटरी लगा दें जो कि 1-2 घंटे लाइट जा रही है तो उस बैटरी से मशीन चलती रहेगी। लाइट आने के बाद बैटरी भी चार्ज होगी और मशीन भी चलेगी, इसमें आपका खर्चा बहुत कम आएगा और काम अच्छा रहता है, एक नंबर। बाकी तो अब अलग अलग समझाने का तरीका है अपना, अलग अलग जो है लोग सलाह देते हैं किसानों को, पैसा काटने के चक्कर में भी ऐसा हो रहा है बहुत जगह। तो आपको जो है बैटरी अपने हिसाब से लगानी है, आप जैसी बैटरी लगाएंगे उसी प्रकार से चार्जर या सोलर पैनल लेना पड़ेगा आपको।